सीधे ले चलते चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और बेहद अहम राजस्थान की तस्वीरें। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज एक तरीके से जुटे हुए हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर आप देखिए खुद मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त मौजूद और यहाँ पर उनकी रोड सभा रोड या शो में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम है। प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये रोड शो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक में जो सूची आई उसमें आप देखिए कि पीएम मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, उसके अलावा तमाम बड़े चेहरों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल। और वो लगातार अलग अलग जगहों पर रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए, ये चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की तस्वीर है, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से सीपी जोशी जिनके समर्थन में एक रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद और बेहद अहम ये दंगल दूसरे फेज के लिए। अब देखिए चुनावी जो पूरी तरीके से बिसात है वो यहाँ पर बिछने शुरू हो गई है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 13 राज्यों की 89 सीटें और इन सीटों में राजस्थान की भी 13 सीटें शामिल हैं, यानी कि पहले और दूसरे फेज में ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे लोकसभा के। ऐसे में बीजेपी मान रही है कि कितना अहम हो जाता है मरुधरा का रण, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंचकर प्रचार प्रसार करते हुए, और इसी कड़ी में राजस्थान के दंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएँ करते हुए, और ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये रोड शो की तस्वीरें हैं। देखिए आम लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है। आम लोग देखिए आपको साइड में नजर आएगा जो दुकान है वहां पर 3 शेड है, लोग उस पर भी चढ़ गए, मतलब इतनी उत्सुकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और वहां पर आप देखेंगे कैसे घरों के छत के ऊपर से लोग वहां पर जाकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मौजूद है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। ये क्रेज है जो कि आप देखेंगे आज मरुधरा की धरती पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद, साथ ही साथ जो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं सीपी जोशी उनकी मौजूदगी, और बीजेपी की तरफ से लगातार आप देखेंगे राजस्थान में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जनसभाओं के जरिए कोशिश रही है कि कैसे पूरा माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बनाया जाए। और इसी को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद। देखिए बीच बीच में जय श्री राम के उद्घोष भी, और आपको वहाँ पर ऐसे भगवा ध्वज भी नज़र आएंगे जिसमें जय श्री राम घेरा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब बात होती है तो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, ऐसे में जब वो यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं तो आपको इसी की झलक नज़र आएगी। सड़कों पर जो तमाम बीजेपी के समर्थक हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, खुली जीप में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये रोड शो करते हुए, पुष्प वर्षा हो रही है, साथ में मौजूद सीपी जोशी जो कि यहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में। और आपको ये बताते चले कि जैसे ही सीएम योगी निम्बाहेड़ा पहुँचे यूडीएच मंत्री प्रदेश के झाबर सिंह खर्रा ने उनका स्वागत किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा रोड शो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और देखिए ये भी दिलचस्प है क्योंकि लोग अपने घरों की खिड़की से भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और इसमें महिलाएं भी आपको नजर आएगी।
सड़कों पर तो लोगों की भीड़ है, लेकिन जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर जाकर के सीएम का स्वागत कर रहा है। और ये भी बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई भी जो राजनेता है वो लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है, उसकी डिमांड कितनी। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं, और आप देखिए जहाँ कहीं पर भी वो जाते हैं रोड शो के लिए, तो आप देखेंगे कि उस तरीके की जो तस्वीर है वो आपको नजर आएगी। आप दक्षिण भारत में भी देख लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ते हैं। और ये तो मरुधरा के रण की, उसके दंगल की तस्वीर है। यहाँ पर आपको महिलाएं नजर आएंगी, बुजुर्ग नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कई घंटों से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और हैंड वेव यहाँ पर लोग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री का साइन भी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान की कुल बची हुई जो 13 सीटें हैं उस पर वोटिंग होने वाली है 26 अप्रैल को, यानी कि शुक्रवार के दिन। और ऐसे में लगातार जो प्रचार प्रसार है उसको तेज कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले 12 सीटों पर पहले फेज के तहत बीते दिन वोटिंग हो गई, और दूसरे फेज में जो वोटिंग होगी जो बची हुई 13 सीटें, क्योंकि राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उस पर 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है। और इसी से जुड़ी हुई आप जब तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से कोशिश रही है कि अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील की जा सके, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर इस वक्त प्रचार प्रसार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को वो संबोधित भी संभव है कि अगर वो करें तो क्या कहेंगे, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे लोगों की मौजूदगी है जो कि मुख्यमंत्री को बस एक टक देख लेना चाहते हैं। वहाँ पर लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी आप इन तस्वीरों में आपको नज़र आएगी, हर एक उम्र वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और सबसे अहम है कि चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, और उन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है, और आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में वो नज़र आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम तरह के बंदोबस्त भी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ में, जहां पर वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और आपको हमें बताते चलें कि यहां से सीपी जोशी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, और लगातार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं उनका दौरा ना केवल चित्तौड़गढ़ के लिए बल्कि जो आसपास की जो लगती सीटें हैं उन पर भी प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। और अगर योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं तो आप समझिए कि इसका जो असर है, ये जो पूरा रोड शो है, इसका असर सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि बाकी की सीटों पर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद प्रचार प्रसार करते हुए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता समर्थक यहां पर मौजूद, दूसरी तरफ आप देखेंगे जय श्री राम का उद्घोष भी आपको नज़र आएगा। और कहा जाता है राजस्थान में कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और यही जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर चुनाव इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर प्रचार प्रसार तेज़ हो चुका है। हाई प्रोफाइल सीट में ये संसदीय क्षेत्र शुमार है। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार तीसरी बार चुनावी दंगल में हैं। कांग्रेस ने एक बार सांसद रह चुके उदयलाल आंचना पर फिर से दाव लगाया है, और ये आप देख सकते हैं कि वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ कहलाती है, और चित्तौड़गढ़ का एक अपना मिजाज होता है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा एक तरीके से पूरा का पूरा जो जन समर्थन है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा। और ये देखिए जो राजस्थानी संस्कृति है वो भी, उसकी झलक भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। महिलाएं हैं, जो कलाकार हैं, वो अपने अपने तरीके से चौक चौराहों पर प्रस्तुति दे रहे हैं। कैमरा वन, कैमरा टू, दो एंगल से आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये
जो पूरी संसदीय सीट है ये प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट में शामिल है। और ये हम आपको इस वक्त तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट सीपी जोशी जो कि उनके साथ इस वक्त मौजूद। और यहाँ पर आपको लोगों में उत्साह भी नज़र आएगा और मुकाबला बेहद दिलचस्प क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है जब दूसरे फेज़ में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाला है। तो ऐसे में किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी आप इन तस्वीरों में देखेंगे। चित्तौड़गढ़ का ये दंगल एक तरीके से बेहद ख़ास। और वैसे भी चित्तौड़गढ़ की जो बात होती है वीरों की बात होती है, ये शौर्य की धरा है। और यहीं पर इस वक्त चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। राजनीतिक लिहाज से भी अब चित्तौड़गढ़ काफ़ी एक हाई प्रोफाइल सीट में इसकी गिनती हो रही है। कारण ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा गया। हालांकि इससे पहले भी उन्हें इस सीट से सफलता मिल चुकी है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री भी कई मरतबा यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इन दो तस्वीरों के ज़रिए इस वक्त चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अभिवादन स्वीकार करते हुए और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है सीएम योगी को देखने के लिए, जहाँ जहाँ से ये रोड शो गुजरेगा आपको वहाँ वहाँ लोगों की भारी भीड़ नज़र आएगी। ये मुख्यमंत्री के क्रेज़ को, पॉपुलैरिटी को दर्शाती है। और इससे पहले भी सीएम योगी की ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ चुकी है जहाँ पर वो जनसभाएं करने जा रहे हों या फिर आप देखें रोड शो करने गए हों, वहाँ पर भी आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आएगी। और ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक शख्स है जो कि आपको बीच बीच में पुष्प वर्षा के साथ साथ संभव है कि आरती करते हुए भी आपको नज़र आएंगे। तो ये भी बेहद दिलचस्प है, ये लोगों के बीच लोकप्रियता को दर्शाती हुई तस्वीरें आपके चित्र से।